नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो किसानों के आंदोलन को लेकर बीजेपी, या फिर यूं कहा जाए कि पूरी मोदी सरकार चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। एक रास्ता जीओएम की बैठकें हो रही हैं, उस तरफ जाता है जिसमें अमित शाह से लेकर कृषि मंत्री शामिल हो रहे हैं, किसानों के साथ कोई सम्मानजनक समझौते की बात हो रही है। दूसरा रास्ता चौपालों की तरफ, किसान चौपालों की तरफ, गाँव की तरफ जा रहा है, जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो काम पहले बिल बनाने से पहले हो जाना चाहिए था, वो अब हो रहा है। तीसरा रास्ता बीजेपी के उन बयान बहादुरों की तरफ, मंत्रियों की तरफ जाता है, जो कभी किसानों को खालिस्तान समर्थक बता देते हैं, कभी माओवादी समर्थक बता देते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ बता देते हैं, कभी पाकिस्तान के बहकावे में आंदोलन करने की बात कह देते हैं, कभी कह देते हैं कि चीन के बहकावे में आंदोलन किया जा रहा है। तो चौथा रास्ता आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जो एक नई मुसीबत लेकर आया है, क्योंकि संघ के जो दो बड़े धड़े हैं, स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ, उन्होंने किसानों की मांग का समर्थन किया है। स्वदेशी जागरण मंच ने तो कुल मिलाकर कह दिया है कि किसानों की ये मांग बिल्कुल जायज़ है कि एमएसपी को लीगल राइट बना देना चाहिए। अश्विनी महाजन उनके अध्यक्ष हैं स्वदेशी जागरण मंच के, उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे किसानों को फायदा ही होगा, इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी जैसा कि अर्थशास्त्री कह रहे हैं। वो यहाँ दालों का उदाहरण दे रहे हैं, उनका कहना है कि जब से दाल का एमएसपी रेट बढ़ाया गया, तब से और ज़्यादा किसानों ने दाल या दलहन का उत्पादन करना शुरू किया, जिससे दालों के रेट कम हुए, उपभोक्ता को फायदा हुआ और भारत सरकार जो लाखों टन दाल विदेशों से मंगाती थी, आयात करती थी, उस पर भी रोक लगी और उसके कारण विदेशी मुद्रा भी बची। तो ऐसा ही अगर एमएसपी को लीगल राइट बना दिया जाता है तो 23 की 23 जिन्स को लेकर भी इसी तरह किसानों को फायदा होगा, आम उपभोक्ता को फायदा होगा और भारत सरकार को इस रूप में फायदा होगा कि कुछ किसानों के अतिरिक्त वोट मिल जाएंगे। साथ ही साथ भारतीय किसान संघ के साथ साथ स्वदेशी जागरण मंच का भी कहना है कि अभी जो ठेका पद्धति में व्यवस्था कर रखी है कि एसडीएम की अदालत या कलेक्टर के कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो उसकी जगह सरकार कह रही है कि जो रूटीन की अदालतें हैं वहां किसान जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों संगठनों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि कंज्यूमर कोर्ट की तरह फार्मर कोर्ट, यानी उपभोक्ता न्यायालय की तरह, किसान न्यायालय स्थापित करें, वहां किसान जाए और वहां 30 दिन के अंदर उनके मामले का निपटारा हो, जैसा फास्ट ट्रैक कोर्ट में होता है, कोई नियम बना दिया जाए। तो कुल मिलाकर पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष से बाहर किसी ऐसे संगठन ने एमएसपी को लीगल राइट बनाने का समर्थन किया है, जिससे सरकार अब तक बचती रही है, वो भी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जो किसानों के आंदोलन को लेकर मोदी सरकार के साथ है। हालांकि कुछ नाराज इस बात को लेकर है कि उसे लगता है कि ये जो आंदोलन पैदा होना, इसकी सूरत ही नहीं निकलती अगर किसानों को पहले समझाने का सिलसिला शुरू करती। अब संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ लगाया है कि वो गांव-गांव जाएं, कस्बे-कस्बे जाएं, देहात-देहात जाएं और किसानों को समझाएं कि ये तीनों कानून उसके कितने हक में और कितने फायदे में जाते हैं। तो संघ मूल रूप से ये कह रहा है, मूल रूप से ये कह रहा है, लेकिन संघ के दो धड़े, भारतीय किसान संघ हो या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया स्वदेशी जागरण मंच हो, वो एमएसपी को लीगल राइट बनाने की बात कर रहे हैं। कम से कम स्वदेशी जागरण मंच तो खुलकर कह रहा है, भारतीय किसान संघ इतना इस मारे मुद्दे पर तो चुप है, लेकिन उसका ये कहना है कि किसानों की मांगें आमतौर पर तो ठीक हैं, लेकिन ये जो पूरा आंदोलन है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। लेकिन सरकार एक तरफ बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, एक बीच का लेवल प्लेइंग फील्ड हो ऐसी कोशिश कर रही है, समझौते की सूरत हो, किसानों को बातचीत के लिए आगे बुलाया जाए, इस पर गौर कर रही है। तो दूसरी तरफ अब रविशंकर प्रसाद जैसे बहुत बड़े नेता ने कह दिया कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो किसानों का साथ दे रहा है, वो किसानों की कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहा है, हम इसे सहन नहीं करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। भाई कड़ी कार्रवाई कीजिए, आप सहन क्यों करते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, सरकार आपकी है, इकबाल आपका है, करिए, करते क्यों नहीं। एक
अगर टुकड़े टुकड़े गैंग किसानों का साथ दे रहा है तो इसका मतलब है कि किसान टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ ले रहा है। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि किसान टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है? कल तक वो माओवादियों के साथ था, वो अल्ट्रा वाम मोर्चों के साथ था, वो खालिस्तानियों के साथ था, वो पाकिस्तान के साथ था, साथ था वो चीन के साथ साथ था, ये हो क्या रहा? एक तरफ आप बातचीत का सिलसिला बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के बयान जारी करते हैं, तो इससे कन्फ्यूज़न ही फैलता है, किसान और ज़्यादा भड़कते हैं। जबकि किसानों ने तो अपनी तरफ से इतनी समझदारी से काम लिया कि किसी राजनीतिक पार्टी को अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने दिया। एक दूसरा, जिस भारतीय किसान यूनियन ने कथित तौर पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जो जेल में बंद हैं, वरवरा राव हो, सुधा जी हों, कुछ और दूसरे हों, उनके पक्ष में मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को परचम लहराए थे, तो उस भारतीय किसान यूनियन को ही 32 किसान संगठनों ने खुद से अलग कर दिया। इसी तरह एक और संगठन को भी अलग कर दिया, क्योंकि वो डाइवर्ट नहीं करना चाहते अपनी इश्यू को। दो ही मांगे उनकी रह गई हैं जिस पर वो सरकार पर लिखित में समझौता चाहते हैं। एक, MSP को लीगल राइट बनाया जाए, और दूसरा, तीनों कानून हूबहू वापस लिए जाए। अब MSP को लीगल राइट बनाने के सिलसिले में स्वदेशी जागरण मंच ने जो समर्थन किया है, उससे मुझे लगता है कि मोदी सरकार और BJP थोड़ी तो पसोपेश में पड़ेगी। हालांकि अब देखते हैं कि संघ इसमें अपनी अंतिम फैसला या अपनी भूमिका किस रूप में निभाता है। शुक्रिया।